ही लाया है, एक्यूरेट 70 लाया है, और अगर केवल ये वाला साइन अप्लाई करूं तो क्या आपको एक्सेल या डेटाबेस का कमांड एलिजिबल के कैटेगरी में रखेगा या नहीं रखेगा? नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, क्योंकि सवाल आपने फॉर्मूला दिया क्या है 70 से ज्यादा, आपने नहीं कहा है कि 70 को भी ले लो, तो 70 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट साइन। इज इट क्लियर नाउ? और मे बी एक्सप्लेन इन अ मोर एग्जांपल, एक्सप्लेन ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, या कोई दूसरा एग्जांपल लू? लो जोर पड़ेगी, या एग्जैक्ट नंबर हो या उससे कैपिटल हो तो ये चीज एलिजिबल के क्राइटेरिया में आएगी। समझ में आ रहा है? वी आर डेवलपिंग क्राइटेरिया, नॉट डेवलपिंग कमांड। ध्यान से, वी आर डेवलपिंग क्राइटेरिया, लॉजिक, नॉट द कमांड। मैंने कहीं कोई फंक्शन नहीं लिखा है, कहीं कोई एक्सेल का चार्ट नहीं है ना। चलो आगे, तो पहला क्राइटेरिया मेरा फिट बैठेगा, दैट विल बी एलिजिबल, यानी को सीटेड क्वालिफाइड माना जाएगा। एनी डाउट? सीट नहीं तो फेल, नॉट एलिजिबल। दो ही टेस्ट करना है, 70 या 70 से बड़ा है तो एलिजिबल है, नहीं तो नॉट एलिजिबल। कोई दिक्कत? नो सर। एनी डाउट? नो सर। जैसे एक कर सकते हैं, बड़े अगर आप मगध के हैं तब तो क्रिकेट में पार्ट लेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ और डिसीजन नहीं। आप नहीं कहे कि एक कहे आपकी हार ज्यादा है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ये सब क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया बस क्या है? मगध के हैं तो क्रिकेट में आएंगे, मगध में नहीं है तो क्रिकेट में नहीं आएंगे। ये तो लॉजिक वाली है, हम क्राइटेरिया क्या दे सकते हैं? इफ यू आर इन मगध, इफ यू आर इन मगध इक्वल टू यू आर इक्वल टू मगध एलिजिबल, नॉट नॉट एलिजिबल। जज हुआ या नहीं हुआ? आते हैं बच्चे हाउस कैप्टन, जो जो मगध वाले खड़े हो जाओ, यानी कि आप तीनों हाउस को इसमें अलाउ नहीं है, क्राइटेरिया वो पहले से सेट करके आया है। तो मैं फिर बता रहा हूं, मैं कमांड डेवलप नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक डेवलप कर रहा हूं, आपको सोचने की ताकत दे रहा हूं। चलिए आइए, नॉट एलिजिबल आया ना? यस सर। टेस्ट की शुरुआत कहां से होती है? इन कंडीशन टू और मोर देन टू। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अब हम पांच क्राइटेरिया लेंगे, दो से तीन पर नहीं जाएंगे, चार पर नहीं जाएंगे, पांच पर जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये इसका सीधा रिलेशन आपसे है। इस सिंबल को